आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। इसी बीच नूपुर शर्मा के विरोध में प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है। प्रयागराज में हाई अलर्ट के बीच भी ये खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। अटाला क्षेत्र में हुई पुलिस के साथ झड़प, हालांकि बल का प्रयोग पुलिस द्वारा भी किया गया है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, नूपुर शर्मा के विरोध में नारेबाजी की गई है। पुलिस को रोकने पर हुई पत्थरबाजी, जब पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी भी की गई है। वहीं इसी बीच जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही है। एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है, जहां प्रयागराज में नमाज के बाद भीड़ ने प्रोटेस्ट किया और जमकर पत्थरबाजी की। वहीं मुरादाबाद में उग्र भीड़ ने नूपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तिया बैनर के साथ प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद में भीड़ ने नूपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तिया और बैनर लेकर प्रदर्शन किया है। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। वहीं दहशत के आसपास की दुकानों की शटर गिरा दी गई है। इसके बाद यहां पथराव भी किया गया है, जहां एक तरफ प्रशासन में अलर्ट है, वहीं कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। सहारनपुर में नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जनपदों की प्राइम हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि कितनी उग्र भीड़ है। पुलिस व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद भी सहारनपुर में अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। साथ ही साथ मुरादाबाद में उग्र भीड़ ने नूपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया है। सहारनपुर में दहशत के आसपास के दुकानें की शटर भी गिरा दी गई, यहां पर पथराव भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी उग्र भीड़ है। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलने के बाद ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। नूपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तियां लेकर हाथ में प्रदर्शन करते हुए लोग सहारनपुर में नजर आए हैं। पत्थरबाजी भी सहारनपुर में की गई है। प्रयागराज में नमाज के बाद भीड़ ने प्रोटेस्ट किया है, जमकर पत्थरबाजी की गई है। वहीं मुरादाबाद में नूपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तियां लेकर प्रदर्शन की गई है। कई जो हिंसा की तस्वीरें हैं कई जिलों से सामने आ रही है। प्रशासन में जहां एक तरफ पूरी तरह से हाई अलर्ट था, उसके बावजूद भी हिंसा के बाद कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद एक हिंसा भड़की थी, जिसके मद्देनजर ठीक आज एक हफ्ते जुमे की नमाज के दिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी था, जिसके बावजूद भी कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है, अलर्ट जारी है, फिर भी इस तरह के हिंसक झड़प, क्या कुछ मामला है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो कानपुर हिंसा में जो भड़काऊ पोस्ट हुए थे, उसको लेकर जिले के आला अधिकारी लगातार धर्म गुरुओं के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे, लोगों को समझा रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही थी कि लोग किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट या इस तरह की चीजों को, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काए, ऐसे पे ध्यान न दे। लेकिन आज संगम नगरी प्रयागराज में अटाला क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद कुछ शरारती तत्वों द्वारा वहां पर पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई, और हालांकि पुलिस ने वहां पर मामले को पूरी तरीके से संभाल लिया है। कुछ लोगों को हल्की फुल्की पहचान भी किया गया है पुलिस के द्वारा। जिले का आला अधिकारी वहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब किस तरह के लोग हैं, पुलिस अभी अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकारियों ने अभी तक इस तरह की किसी भी चीजों पे कुछ भी नहीं कहा है कि वहाँ पर किस तरह के लोग हैं। हालांकि अभी कुछ देर बाद यह स्थिति जी, लोगों के घरों से पत्थरबाजी की जा रही थी, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे।
लाइन पर जी बिल्कुल, जो अटाला क्षेत्र है जहाँ पर यह घटना है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जिस तरीके से जिले का आला अधिकारी लगातार उनको समझाने का सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसाओं में भड़काऊ पोस्ट न करने के अपीले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो लोग हैं कहीं न कहीं ये शरारती तत्व है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक चीजें सामने आई हैं ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पर किसी भी तरह के धर्म गुरु या राजनीतिक लोग रहे होंगे। जी जी, किस तरह से प्रशासन वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखी है, क्या भीड़ वहाँ से प्रशासन हटा रही है या फिर हट चुकी है भीड़? नहीं, वहाँ पर अगर बात की जाए मौके की घटना स्थल पर, तो भारी पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है, जिले के आला अधिकारी तैनात हैं, लगातार लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह के वहाँ पे माहौल को न बिगड़े। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है, और जैसे ही इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि होगी निश्चित रूप से तस्वीर साफ हो जाएगी किस तरह की जो चीजें हैं, जिस तरह की जो तस्वीरें आई हैं इसमें कौन से लोग जिम्मेदार हैं। जी जी पवन, आपकी बात किसी से हो पाई, किसी प्रशासन से या फिर किसी नेता से, किस मसले पर कोई बात हो पाई, किसी का कुछ कहना है, किसी का कोई भी बयान इस पर सामने आया अब तक? अभी जिस तरीके की तस्वीर है, तो निश्चित रूप से जिले के आला अधिकारी पूरी तरीके से माहौल को सामान्य करने की स्थिति में लगे हुए हैं। जैसे स्थिति सामान्य हो जाएगी, वैसे जैसे ही बात हो जाएगी वैसे स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। जी, जिस तरह की खबरें सामने निकल कर क्या आ रही है कि लोगों ने घरों से पुलिस पर पथराव किया है पवन, तो पुलिस ड्रोन कैमरे से भी नजर रख रही थी, तो क्या ड्रोन कैमरे के माध्यम से पहले इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं लग पाई थी? क्योंकि ये जो एरिया है, जिस एरिया में पत्थरबाजी की जो घटना सामने आई है उस एरिया में पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि आला अधिकारियों द्वारा जिले में कई स्थानों पर ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इस स्थिति से इनको बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसे इन तस्वीरें वहां पे सामने आएंगी। हालांकि घरों से पत्थर फेंकने की बात जरूर सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड है, वहाँ पे लोगों का अच्छी खासी भीड़ सामने होती है। अब ऐसे में कौन से लोग हैं कि इन घरों से पत्थरबाजी की गई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी, और कोई ताजा अपडेट सामने आ रहा है पवन, प्रयागराज के अटाला क्षेत्र से जहाँ पर पत्थरबाजी की गई है पुलिस पर? नहीं, अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो जिले का आला अधिकारी लगातार मौके पर, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एडीजी जोन प्रयागराज, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और पुलिस इस पर पूरी तरीके से कार्य कर रही है। जल्दी ये जो लोग सामने आए हैं या जो लोग होंगे निश्चित रूप से पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी है और ऐसे में प्रयागराज में यह घटना एक बड़े सवाल को खड़ा करती है। जी जी बिल्कुल, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए पवन, हम जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जिस एरिया में से ये घटना अटाला एरिया से सामने आई है, वहाँ वो एरिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी जो है वो ज्यादा है, जहाँ से पुलिस पर पथराव किया गया है। पूरे प्रदेश में जहाँ एक तरफ अलर्ट जारी है, प्रशासन अलर्ट पर है, इस बीच जो दंगे की तस्वीरें हैं, जो हिंसा की तस्वीरें हैं, वो कई जगहों से सामने आ रही हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में घरों से पुलिस पर पथराव किया गया है, पुलिस भी जवाब में फेंके जा रहे पत्थरों को उठाकर फेंक रही थी, माहौल इतना उग्र हो चुका था कि जो पत्थर पुलिस पर फेंके जा रहे थे पुलिस जवाब में वो पत्थर भीड़ पर फेंक रही थी। कहीं ना कहीं बेहद अहिंसक झड़प प्रयागराज से सामने आया। वहीं सहारनपुर में भी भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी भी की, हालांकि अब सब कंट्रोल में बताया जा रहा है। सहारनपुर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सहारनपुर में भीड़ ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब हालात काबू कर लिया गया था। सहारनपुर हिंसा को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया। आप हमारी स्क्रीन पर ताजा जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिन जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई है और पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं बिजनौर में सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं गोरखपुर में जुमे की नमाज को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार खुद सड़क पर उतरे हुए हैं। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पीयूष समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, 4 सेंट्रल समेत 6 कंपनी PSC तैनात की गई है राजधानी में। एडीजी
एसएसपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर राजधानी लखनऊ को 9 जोन 36 सेक्टर में बांटा गया है। इतना अलर्ट मोड पे है पुलिस, लगातार तैनात है पुलिस, उसके बावजूद भी कई जिलों से जो हिंसक खबरें हैं वो सामने आ रही है। प्रयागराज में नमाज के बाद सड़कों पर नमाजियों की भीड़ उग्र नजर आई। मुरादाबाद में नमाज के बाद नूपुर शर्मा का सिर कलम करने का पोस्टर बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। इतनी नफरत आखिर फैला कौन रहा है? एक बयान के बाद से जिस तरह से नूपुर शर्मा के सर कलम करो, जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में प्रदर्शन, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, गिरफ्तारी की मांग। मुगलपुरा इलाके का है मामला, जहां पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया है। नूपुर शर्मा को लेकर, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, गिरफ्तारी की मांग की गई है। मुगलपुर इलाके का यह पूरा मामला है। के बाद मुरादाबाद में प्रदर्शन, मुरादाबाद में नूपुर शर्मा का सर कलम करने का पोस्टर बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है मुस्लिम समुदाय द्वारा। मुगलपुरा इलाके का यह पूरा मामला सामने आया है। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में प्रदर्शन, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, तो वही नूपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार हिंसा भड़कती जा रही है। संवाददाता शाहरुख इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, तमाम जो निर्देश है वो पुलिस की तरफ से दिए गए थे, पूरे सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में मुस्तैद है, उसके बावजूद भी इस तरह का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन और मुरादाबाद शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि जुमे की नमाज अदा कर अपने घर चले जाए, और जिस तरीके से आज जुम्मा है उस हिसाब से आज नमाजी ज्यादा पहुंचे थे। जैसे ही जुमे की नमाज अदा कर लोग अपने घर को वापस आए, तो लोगों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारी की मांग की। जी शाहरुख, का खबर सामने आ रही है कि मुरादाबाद में नूपुर शर्मा का सर कलम करने का पोस्टर बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, आखिर इतनी नफरत क्यों, इतनी नफरत कहाँ से आ रही है लोगों में? देखिए, जिस तरीके से इनके द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद अब मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं मुरादाबाद में भी प्रदर्शन किया गया और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद लोग प्रदर्शन कर अपने घर वापस चले गए हैं और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। शाहरुख, क्या प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है इन लोगों को? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया, कार्रवाई की गई उन पर, उसके बावजूद भी जिस तरह का ये प्रदर्शन सामने आया है, पत्थरबाजी नारेबाजी की गई है पुलिस के साथ, क्या प्रशासन का थोड़ा सा भी डर इनके अंदर, थोड़ा सा भी भय इनके अंदर नहीं है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में तो शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रदर्शन किया गया है। हालांकि अन्य जो जिले हैं उनमें पत्थरबाजी भी की गई है, मगर मुरादाबाद में इस तरीके का कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया है और लोग अपने घर वापस चले गए हैं। और प्रदर्शन का मास्टरमाइंड आखिर कौन है शाहरुख? जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, कई कड़ी कोशिशें की जा रही है पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द कायम रखने की, उसके बावजूद भी आखिर कौन है ये लोग जो इस तरह के प्रदर्शन करके माहौल बिगाड़ रहे हैं प्रदेश का? जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया, और हालांकि जब जिला प्रशासन और ओलमा लोगों से इस बारे में बात की, तो उनका कहना था कि हमने इस तरीके से कोई भी लोगों से अपील नहीं की है, और हमने साफ तौर पर कहा है कि लोग अपना दुकानें खोलें और कारोबार करें, कोई भी किसी तरीके का अपनी दुकान बंद नहीं रखें। मगर उसके बाद भी आज फिर मुरादाबाद में कई जगह दुकानें बंद देखने को मिली, लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शाहरुख,
आखिर नमाज के बाद ये हिंसा क्यों भड़कता है? 3 जून को जब कानपुर में हिंसा हुआ था तो नमाज के बाद ही हुआ था। आज भी कई शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नमाज के बाद ही आ रही है। आखिर जुमे की नमाज के बाद ही ये प्रदर्शन देखने को क्यों मिला? क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? जुमे के दिन भीड़ ज्यादा होती है, लोग ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ना आते हैं। आए दिनों के मुताबिक जुम्मे के दिन ज्यादा लोग आते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व इसमें घुस के शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें जिला प्रशासन को सख्ती से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें शाहरुख, हम दोबारा जल्द जुड़ेंगे आपसे। भाई लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए कि किस तरह से लखनऊ में प्रशासन मुस्तैद है नमाज को लेकर के, और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हो जिसको लेकर प्रशासन पूरा ध्यान रख रही है। ताजा तस्वीरें हम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं। वहीं लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पीयूष समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, 4 सेंट्रल समेत 6 कंपनियां पीएससी की तैनात की गई हैं। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर राजधानी लखनऊ को 9 जोन 36 सेक्टर में बांटा गया है। लखनऊ से हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लखनऊ में किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं। वहीं जहां दूसरी ओर कई जिलों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही है, इस बीच लखनऊ में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने को लेकर। वही संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, किस तरह से प्रशासन राजधानी में मुस्तैद है, क्योंकि कई तस्वीरें जो कई जिलों से सामने निकल करके आ रही हैं हिंसा की वो बेहद निंदनीय है, प्रशासन राजधानी में किस तरह से मुस्तैद है और शांति व्यवस्था बनाए रखी है? देखिए, बात करें तो जुमे की नमाज की से एक हफ्ते पहले हुआ हिंसक जो घटनाएं हुई है उसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट में था, और आज लगभग मैं बताता चलूं कि टीले वाले जो मस्जिद है पुराने लखनऊ में, यहाँ पर जेसीपी एलओ से लेकर आपको जो डीसीपी पश्चिम है और तमाम जो पुलिस बल है, आरएएफ से लेकर जो पुलिस बल है, पीएसी, वहां पे तैनात की गई थी और लोग काफी शांतिपूर्ण ढंग से, लोगों ने नमाज की किसी भी तरह का उपद्रव नहीं सुनने को मिला। हालांकि यूपी के कई जिले आपको बता दूं, जैसे प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, यहाँ पर छुटपुट घटनाएं होती रही, कुछ पथराव भी हो, लेकिन लखनऊ पूरी तरह से शांति बहाल रहा। कमिश्नर हमने कमिश्नर डीके ठाकुर से भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि हम सुरक्षा की जो निगरानी है वो ड्रोन से कर रहे हैं और तमाम जो पुलिस बल है उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया, तो किसी भी तरह की अनहोनी घटना आज लखनऊ में नहीं घटी है। हल्की फुल्की जो भी अगर आप कहना चाहें तो, लेकिन तब भी लोगों ने एकदम शांत माहौल में नमाजें पढ़ी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना लखनऊ में आज नहीं घटी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सागर प्रदेश के अन्य जिलों से सामने आ रही है, किसकी लापरवाही दर्शाता है ये? जब इतनी मुस्तैदी थी प्रशासन की, इतना अलर्ट जारी था, तो इस तरह की घटनाएं कैसे? देखिए, अगर पहली बात कहूँ तो सबसे पहली बात तो अगर लापरवाही की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन थोड़ा सा मौन भी दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जब आपको पता था कि कानपुर की घटना इतनी बड़ी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं उस पर आपको विराम लगाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयागराज से लेकर सहारनपुर में इतना बड़ा पथराव हुआ, पुलिस बल होने के बावजूद भी लोगों की फिर से एक हिम्मत जगी, अब लोग इसको भड़काऊ या माने या फिर कोई भी ऐसी चीजें माने, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन को इस सारी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए था और एकदम पुलिस बल को मुस्तैद करना चाहिए था। हालांकि उन सब चीजों को अगर मैं बात कहूँ अलग, तो लखनऊ में एक पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद दिखी और पूरी तरह से एक्टिव दिखी, हर जगह पुलिस बल आपको मिले, ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई पूरे इलाके की और पूरे इलाके को चप्पा चप्पा छाना भी गया। जी जी बिल्कुल, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं राजधानी में तो शांति और सौहार्द फिलहाल बना हुआ है, और क्या कुछ जो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं सागर, उस पे क्या कुछ अभी कोई आधिकारिक बयान प्रशासन की तरफ से किसी का आया या फिर किसी जो राजनेता है जो नेता उनका क्या कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल में इसने बयान दिया है। अब ये तो देखने वाली बात ये होगी कि जो घटना है इसकी जांच की जाएगी और किसकी लापरवाही
सामने उजागर हुई है, क्योंकि लखनऊ में कमिश्नर से लेकर डीसीपी से लेकर जेसीपी कानून व्यवस्था ने सभी ने फ्लैग मार्च करके एक सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चुस्त सुरक्षा व्यवस्था को एकदम जाना परखा। और सुबह 3 बजे से तकरीबन सुबह 7 बजे तक पुलिस बल, लखनऊ की पुलिस बल तैनात रही। जो भी पोस्टर से अगर भड़काऊ भाषण देना चाहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस पूरे इलाके की गश्त करती रही। और पुलिस का ये साफ साफ मंशा थी, कहना था कि अगर आप किसी भी तरह का विद्रोह करते हैं तो पुलिस की निगाह आप पर बनी है और आपके खिलाफ एक कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी, अगर बात किया जाए और जगहों की, तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर नूपुर शर्मा का सर कलम करो, नूपुर शर्मा को फांसी दो जैसी तख्तियां लेकर लोग नजर आए। आखिर इतनी नफरत आती कहां से है सागर? कौन भड़का रहा है? इतनी नफरत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, मैं माफी चाहूंगा कि नफरत के पीछे तो किसी भी तरह का हाथ हो सकता है, इसमें किसी का व्यक्तिगत नाम लेना बिल्कुल ही एकदम वाजिब नहीं होगा। क्योंकि देखिए, नफरत फैलाने वाले की कोई जात नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई किसी भी नहीं होती, लेकिन केवल उनकी मंशा जो होती है कि शहर में या देश में या राज्य में पूरी तरह से हिंसा फैलाएं और लोग उनकी बातों में आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी तरह का आपको कोई नफरत फैलाता है तो उसकी बातों में ना आइए, शांति बनाए रखिए, देश के साथ चलिए, जिले के साथ चलिए, पुलिस के साथ चलिए, ताकि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में शांति व्यवस्था फिर से हमेशा की तरह कायम रह सके। जी सागर, कई जिन जिलों से हिंसा के झड़प की खबरें सामने है, किस तरह से वहां पर भी माहौल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जी, पुलिस बल पूरी तरह से सक्षम दिख रहा है हर जगह पे, जहाँ भी कुछ जगहों पर पुलिस बल ने पथराव को भी रोका, जहाँ पथराव हुए वहाँ पे पत्थरबाजों को भी खदेड़ा है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, अभी देखिए शुरुआत है। और दूसरी बात ये कि सीएम योगी की सरकार है, तो यहाँ पे सरकार की साफ मंशा की अगर आप अपराध करेंगे तो जो पुलिस है और सरकार है आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएगी। और साथ ही सरकार ने एक पैगाम भी दिया कि अगर आप अपराध में सम्मिलित होते हैं तो आपके साथ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि उसे एक नजीर मारा जाए। जी बिल्कुल सागर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई दंगे नहीं फैला सकता, पहले भी जो दंगे हुए थे उनके पोस्टर खुलेआम सड़कों पर लगाकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी, कानपुर में हिंसा के बाद भी उनपे NSA लगाने की बात कही थी, उनकी संपत्ति कुर करने की बात कही गई थी, तमाम पोस्टर भी जारी किए थे, उसके बावजूद भी ठीक एक हफ्ते बाद जुमे की नमाज के बाद इस तरह की घटना सामने आई है, किस तरह से देखते आप इसको और क्या लोगों में अब डर नहीं रहा प्रशासन का? देखिए, लोगों में डर तो प्रशासन का होना ही चाहिए और डर का प्रशासन का एक डर एक लोगों में है, लेकिन तकरीबन आपको बता दूं चलो कि इससे कुछ साल पहले ही यहाँ पे लखनऊ में एक क्लॉक टावर है, वहां पर एक NRC और CAA को लेकर काफी दिनों तक प्रदर्शन रहा, लेकिन उसके बाद पथराव भी हुए, कई हिंसक घटनाएं भी हुई, कई आगजनी भी हुई, उसके बाद प्रशासन ने एक सबसे बेहतर उपाय अपनाया कि जो भी पत्थरबाज थे उनकी फोटो वायरल की, हर जगह पोस्टर लगाए गए, कईयों के घर भी कुर्की हुए, कईयों को जेल भी हुई, तो उससे एक संदेश तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात है कि सबसे बड़ी बात ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो मानसिकता होती है लोगों की, वो अगर जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम और आप नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि अगर कोई भी आपको भड़का रहा है तो आपकी सबसे पहली पसंद ये है कि आप उसकी बातों में ना आइए। बातों में आते हैं तो ये भी सोचिए कि कानून व्यवस्था भी आज जीवित है, कानून से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये काफी शर्मनाक चीज है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सागर, इस खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखे, लखनऊ का जो शांति व्यवस्था आप उस पर अपनी नजर बनाए रखे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें सामने आ रही है, आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद की सामने आ रही है। सहारनपुर में किस तरह से जो भीड़ है वो हिंसक नजर आ रही है, फिलहाल लखनऊ में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, प्रशासन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो जुमे की नमाज है वो संपन्न कराने में कामयाब नजर आ रही है। प्रयागराज से भी तस्वीरें सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रयागराज में किस तरह से हिंसा भड़की है, पथराव किया गया है, पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं। वहीं मुरादाबाद से भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हिंसा इतनी बेकाबू हो गई थी कि मुरादाबाद में लोगों ने नूपुर शर्मा को फांसी दो, नूपुर शर्मा का सर कलम करो जैसी तख्तियां हाथ में लिए हुए दिखे, नारेबाजी करते हुए लोग दिखे।
चार शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद। किस तरह से हिंसा भड़की हुई है फिलहाल कानपुर में, प्रशासन मुस्तैदी के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए है। सहारनपुर से तस्वीरें बेहद डरावनी है। सहारनपुर में हिंसा का झड़प हुआ है। सहारनपुर में भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, हालांकि अब सब कंट्रोल में है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वहां पर हिंसा भड़की हुई थी। अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर पीयूष समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, चार सेंट्रल समेत 6 कंपनियां पीएससी भी तैनात रही हैं। संवाददाता शाहरुख मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ माहौल है अभी वहां पर? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से कल शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद और जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि नमाज पढ़कर अपने घरों को चला जाए, और वैसे आज इस तरीके से जुम्मे का दिन था और जामा मस्जिद पर जिस तरीके से नमाजी और दिन के मुकाबले ज्यादा थे, नमाज के बाद जैसे ही लोग अपने घर पहुंचे तो नारेबाजी करने लगे और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की और पोस्टर लिए हुए थे। प्रशासन ने काफी समझाया मगर वो लोग नहीं माने, तो उसके बाद प्रशासन ने लाठी चार्ज भी किया है और फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। क्या किसी का नाम निकल करके सामने आया कि किसने हिंसा को भड़काया? आखिर कौन है जो इतनी नफरत फैला रहा है? देखिए, अभी पुलिस मामले में जांच कर रही है और जिस जगह ये प्रदर्शन हुआ है वो मुरादाबाद के मुगलपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। हालांकि प्रशासन को जब पता था कि जुम्मे के दिन इतनी तादाद में पब्लिक नमाज पढ़ने आती है तो प्रशासन ने सख्त इंतजाम क्यों नहीं किए, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल निशान तो प्रशासन पे भी खड़ा होता है शाहरुख। जब प्रशासन को पहले से ये पता था कि ठीक है, एक हफ्ते पहले कानपुर में इतनी बड़ी घटना सामने आई है जुमे की नमाज के बाद, तो आज प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही तो निकल के सामने ही आती है। प्रशासन क्यों नहीं वहां पर मुस्तैद था? क्यों ड्रोन कैमरे से इन जो लोग है जिन्होंने हिंसा को भड़काया उन पर नजर रखा जा रहा था? क्या किसी का कोई आधिकारिक बयान सामने आया शाहरुख मुरादाबाद से? नहीं, ये देखने की बात है, अब तक लगभग 1 घंटा हुआ है प्रदर्शन को और जिस तरीके से अभी भी किसी भी अधिकारी का कोई अधिकारी बयान नहीं आया है, अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि वहां पर अब स्थिति नियंत्रण में है, काफी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है और लोग अब अपने घरों को चले गए हैं, मगर इतनी भीड़ थी पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद शाहरुख। सहारनपुर में भी हिंसक झड़प हुआ था। सहारनपुर में जामा मस्जिद से नमाजी भीड़ के साथ घंटाघर पहुंचे और डीआईजी डॉक्टर पितेंद्र की मौजूदगी में काफी हंगामा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सहारनपुर से सामने आ रही है जहां पर डीआईजी की मौजूदगी में काफी हंगामा हुआ है। डीआईजी खुद मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के दौरान सहारनपुर में हंगामा हुआ है। जामा मस्जिद से नमाजी भीड़ के साथ घंटाघर पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं जहां पर डीआईजी की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी यह प्रदर्शन हुआ है सहारनपुर में। सहारनपुर में भीड़ काफी उग्र हो गई थी, पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, नियंत्रित बताई जा रही है। सहारनपुर में जामा मस्जिद से नमाजी भीड़ के साथ घंटा घर पहुंचे और डीआईजी डॉक्टर पितेंद्र की मौजूदगी में काफी हंगामा हुआ है। डीआईजी की मौजूदगी में सहारनपुर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
तरह से ये प्रदर्शनकारी उग्र नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं, इन हिंसाकर्मियों जो हिंसा कर रहे हैं इनकी तस्वीरें हैं, ये किस तरह से उग्र होकर हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईजी की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए, इन्हें प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है, इन्हें प्रशासन का कोई भय नहीं है। सहारनपुर में जिस तरह से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, डीआईजी की मौजूदगी में सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ है। सहारनपुर की जामा मस्जिद में नमाज के बाद निकले नमाजियों ने अचानक से अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाना शुरू कर दिए। जैसे ही जुमे की नमाज अदा करके ये प्रदर्शनकारी निकले, ये अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उग्र होकर प्रदर्शनकारियों ने डीआईजी की मौजूदगी में प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जब पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी था, अलर्ट पर था पूरे प्रदेश में, फिर भी इस तरह का प्रदर्शन किस तरह से सामने आया, डीआईजी की मौजूदगी में आखिर कैसे सहारनपुर में प्रदर्शन किया गया, कैसे भीड़ इतनी उग्र हो गई। हालांकि अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए गए हैं नमाज के बाद। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर कर प्रदर्शन किए हैं। कई जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। ये ताजा तस्वीरें सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर नमाज के बाद प्रदर्शनकारी उग्र होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, डीआईजी की मौजूदगी में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, अल्लाहु अकबर के नारे भी सहारनपुर में लगे हैं। ताजा तस्वीरें हम आपको लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद से दिखा रहे हैं। आप सहारनपुर और मुरादाबाद की तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में इकट्ठा होकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सहारनपुर में भीड़ कितनी उग्र नजर आ रही है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं प्रयागराज में भी पथराव किया गया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। प्रदर्शन उग्र भीड़ ने प्रदर्शन किया है, पुलिस पर पथराव भी किया गया है, हालांकि पुलिस ने जवाब में लाठी चार्ज भी किया है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां एक तरफ पूरा प्रदेश अलर्ट पर था, इसी बीच भाजपा नेता नुपुर शर्मा की जबान काट कर लाने वालों को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा करने वाले सतपाल तंवर के खिलाफ कानपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भीमसेना प्रमुख सतपाल ने यह आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल। अब दिल्ली से तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली में भी किस तरह से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी उग्र होकर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देवबंद में भी उग्र प्रदर्शन किया गया है। देवबंद से ताजा खबर सामने आ रही है, जहां पर पथराव से हालत इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी है। ताजा खबर देवबंद से सामने आ रही है। मुरादाबाद से देवबंद में भीड़ इतनी उग्र हो गई कि एडीजी को भी बंदूक उठाना पड़ा। मुरादाबाद में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, लोग हाथों में तख्तियां लेकर मुरादाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। देवबंद में मुस्लिम बाजार और दुकानें बंद रही, मस्जिद रशीदिया पर जुमा की नमाज के बाद अचानक कुछ मदरसा छात्रों ने नारेबाजी की और उनके हाथ में बैनर पोस्टर भी थे। मामला बढ़ते देख पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिससे भाग
पर भगाया। मुरादाबाद से ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आ रही हैं, जहां पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देवबंद में मुस्लिम बाजार और दुकानें भी बंद रही। मुरादाबाद के देवबंद में स्थिति काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर में भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे। ताजा तस्वीरें हमने आपको दिल्ली से भी दिखाया है कि दिल्ली में भी किस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र नजर आ रहे हैं, उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहु अकबर के भी नारे लगे हैं। चुके हैं लखनऊ से सागर, किस तरह का माहौल राजधानी में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अन्य जगहों से हिंसा की खबरें और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, वो बेहद भयावह है, बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। सागर, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया और कुछ ऐसे जिले हैं जो काफी संवेदनशील माने गए हैं शुरुआत से, वहां पे छोटी मोटी घटनाएं हुई है, जैसे पत्थरबाजी किया है लोगों ने, प्रदर्शन किया, लेकिन हाँ भारी पुलिस बल होने के बावजूद भी लोगों की इतनी हिम्मत बनी हुई कि लोगों ने पथराव किया, प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें पूरी तरह से खदेड़ दिया है और जो मामला है अब पूरी तरह से स्थिति में है। एडीजी एलो का साफ साफ पूरी तरह से बयान था कि जो जुमे की नमाज में पिछले जुमे की नमाज में कानपुर में जो हालात पैदा हुए वो फिर से यूपी में किसी भी जिले में पैदा नहीं होने पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसी हिम्मत बनी
कि लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। जी जी, मुरादाबाद के देवबंद से भी बेहद उग्र प्रदर्शन सामने आया है सागर। वहां के जो हॉस्टलर्स थे, हॉस्टलर बच्चों ने उग्र प्रदर्शन किया है देवबंद में, और ये प्रदर्शन इतना उग्र था कि एडीजी ने खुद बंदूक उठा ली है। किस तरह से देखते हैं आप, आखिर इतनी हिम्मत आ कहां से रही इन छात्रों में जो पढ़ाई करने के लिए देवबंद जाते हैं? देखिए, शासन और प्रशासन की शुरुआत से एक मंशा रहती है कि जो भी है जिले में या राज्य में शांति बहाल कर सके, लेकिन जब लोग ही अगर वो उत्पात करने पर आमादा हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं। इस वजह से एडीजी एलओ से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, उन्होंने अपने हथियार उठाए, उन्होंने लोगों को खदेड़ा, उन्होंने एक तरफ। दूसरी बात ये है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आला अधिकारी से लेकर हर जो अधिकारी उस क्षेत्र का, उन्होंने धर्म गुरुओं से भी बात की। धर्म गुरुओं ने साफ साफ अपील की कि आप शांति बहाल एकदम बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को हथियार उठाना एक मजबूरन भी समझा जा सकता है। जी सागर, क्या स्थिति अनियंत्रित होती नजर आ रही है? जिस तरह की तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही है, क्या स्थिति अनियंत्रित होती हुई नजर आ रही है? आपको बता दूं कि जो स्थिति उस वक्त हुई थी, क्योंकि जुमे की नमाज का जो समय होता है वो 12:30 से तकरीबन 1:30-2 तक होता है, और आज जुमा है तो स्पेशल लोग आते हैं। जो लोग पूरे हफ्ते में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ नहीं पाते, वो जुमे के दिन अवश्य आते हैं। तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है, क्योंकि भारी पुलिस बल वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। पीएससी से लेकर सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर जिला जो पुलिस है वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात कर दिए गए, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मेरठ हो, चाहे तमाम ऐसे इलाके हो जहां पर पथराव की खबरें अभी तक सामने आ रही है, वहां पर पूरी तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो स्थिति अब काबू में है, और सरकार और पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर लिया, और किसी भी अप्रिय घटना की अब संभावना नजर नहीं आ रही। जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सागर जिस तरह से एक छवि उत्तर प्रदेश की बनाई जा रही थी, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, जी जिस तरह के दंगे प्रदेश के अन्य जनपदों से सामने आ रहे हैं, किस तरह से इस छवि को खराब करता है जो छवि उत्तर प्रदेश की बन रही थी, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश? देखिए, साफ साफ योगी जी का एक पहला जो कार्यकाल था 17 से 22 का, उन्होंने साफ साफ एक जनता के सामने एक समक्ष रखा था कि मेरे शासनकाल में कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना या दंगा नहीं हुआ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऐसी घटनाएं अब कुछ होती चली आ रही है, चाहे वो कानपुर का मुद्दा हो, चाहे अभी आज का मुद्दा मैं बता दूं कि मुरादाबाद हो गया, तमाम ऐसी जगह है जो जिला है वहां पे घटनाएं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग वर्क है, इससे सरकार को काम करना चाहिए। पुलिस बल भी तैनात है, उसके बावजूद भी अगर लोग हिम्मत करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ सरकार की फॉल्ट या सुरक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था में लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है कानून व्यवस्था का। अब लोग कानून व्यवस्था से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं, चाहे वो लोगों के भड़काव में आए हो, चाहे उनकी खुद की मंशा हो। इस बात को स्पष्ट तो तब हो पाएगा जब ये जो उपद्रवी हैं ये गिरफ्तार होंगे और उनके ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योगी जी की साफ मंशा है कि अगर आप कार्रवाई करेंगे, अगर आप कुछ भी अगर एक्शन करते हैं या फिर शहर या जिले में या किसी भी जगह पर अगर उन्माद फैलाते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून की नजर आप पर है और आप पर बनी रहेगी। जी फिर भी सागर, डर जो खौफ है वो नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से देवबंद के छात्रों ने प्रदर्शन किया, एडीजी जो है उनको खुद बंदूक उठानी पड़ी, नमाज के बाद जिस तरह से लोग हाथों में तख्तियां लिए दिखे, नूपुर शर्मा का सर कलम करो, नूपुर शर्मा को फांसी दो, पहले ही आधिकारिक फैसला लिया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी इस तरह का प्रदर्शन, आखिर कौन है वो लोग, किस पे इतनी हिम्मत आ रही है, कौन लोग इस तरह के जो हिंसा है उसको भड़का रहे हैं? सागर देखिए, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसके वजह से, बयान की वजह से पार्टी ने लगभग 6 साल के लिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और नूपुर शर्मा ने बकायदा ट्वीट करके अपनी इस माफीनामे को भी जाहिर किया था, और कुछ लोगों ने उनकी माफीनामे को भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनकी कुछ या फिर कहीं कुछ मजबूरियां भी थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, खुद तो काम कर लेते हैं लेकिन जो फंसते हैं वो लोग, वो एक बेगुनाह लोग होते हैं, लेकिन वो केवल उनके भड़काऊ भाषण के तौर पर, भड़काऊ भाषण की वजह से उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें पत्थर उठाना पड़ता है। आप चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे कश्मीर की जगह ले लीजिए, चाहे यूपी में जो आज इस वक्त हो रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि जो काम करते हैं वो पर्दे के पीछे रह के करते हैं, अपना काम करके वो चले जाते हैं, लेकिन जो भुगतना पड़ता है
वो इन मासूमों को पड़ता है। जिस तरह से तमाम आप एनआरसी ले लीजिए, सीए में जो घटनाएं हुई, लोगों ने पथराव किए, पुलिस की गाड़ियां जलाई, मीडिया की गाड़ियां जलाई, लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया, तो भरपाई सरकार ने उनसे ही की है, ना कि उनके पीछे जो बैठे आकाओं से किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घटनाएं हुई है उसके पीछे जो भी है, ये तो हालांकि सरकार इस बात को स्पष्ट कर देगी, जल्द से जल्द कर देगी, गिरफ्तारी भी होगी, सजाएं भी होंगी, लेकिन जो भी गेम खेला जा रहा है वो पर्दे के पीछे रह के खेला जा रहा है और पर्दे के सामने गेम खेलने वाला मुख्य जो है वो नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सागर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। वही ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब किस तरह से लखनऊ में प्रशासन मुस्तैद है, लखनऊ में शांति व्यवस्था प्रशासन बनाए रखे हुए है, लेकिन जिस तरह से अन्य जिलों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो एक छवि बनी थी, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, और दंगे जो है और दंगाई जो है, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि दंगाई या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो वो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन जिस तरह से दंगा फैल रहा है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की जो छवि है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, उसको खराब कर रहा है। संवाददाता शाहरुख मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरादाबाद में जिस तरह की हिंसक घटना सामने आई है शाहरुख, कहीं ना कहीं जो एक छवि है उत्तर प्रदेश की जो बन रही थी, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, उसको खराब करता है। और जो ये मास्टर माइंड है जो इस तरह की हिंसा को भड़का रहे हैं, जो प्रदेश की हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, कौन है ये लोग और क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी मुरादाबाद से? देखिए आपको बता दूं, आज मुस्लिम समुदाय के लोग काफी तादाद में आए, दिन के मुकाबले जुम्मे के दिन काफी तादाद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में जामा मस्जिद आती है, वहाँ पर नमाज के बाद नमाज अदा करके जैसे लोग लौटे तो उनके हाथों में बैनर थे जिसमें वो नितिन शर्मा की घोषणा लगा रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें फांसी दी जाए, नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया गया, प्रशासन ने समझाया काफी, मगर उसमें कुछ ऐसा असामाजिक तत्व आया जिस वजह से ये बवाल बढ़ा और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि अब ये जिला प्रशासन से सवाल उठ रहा है कि जिला प्रशासन इसका सुस्त नजर कैसे आया और इतनी तादाद में लोग कैसे पहुंचे और ये जमकर उत्पात मचाया। शाहरुख, का क्या प्रशासन को पहले इसकी खबर नहीं थी कि कितनी भारी मात्रा में लोग नमाज अदा करने जा रहे हैं, प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी? देखिए अगर बात की जाए इसकी तो कल से ही जिला प्रशासन, खुद डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी और क्षेत्र अधिकारी ने मुरादाबाद में पैदल गश्त की थी और लगातार धार्मिक स्थलों पर लोगों से अपील की थी कि प्रशासन का पूरा सहयोग करें, और जो लोग ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जुम्मे के दिन भारत बंद करने की अपील की गई थी वो फर्जी मैसेज वायरल किया गया, जिला प्रशासन ने अभी तक ये वहां तक नहीं पहुंचे कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये मैसेज वायरल किया है भारत बंद का, उसके बाद खुद शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद जो मुरादाबाद के शहर इमाम है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि शहर को बंद नहीं करें, जो भी अपना कारोबार है उसको करें, मगर उसके बाद भी शहर की कुछ दुकानें बंद रहती है और इतनी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए, उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बीच में कौन असामाजिक तत्व है जिन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन को खराब कर दिया और पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ये प्रदर्शनकारी जो है और इस प्रदर्शन का जो मास्टरमाइंड है उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए जिस तरीके से अगर प्रशासन मुस्तैद रहता और पूरी तरीके से जो एजेंसियां है वो काम करती तो ये हो सकता है इतनी बड़ी घटना देखने नहीं मिलती, मगर जिला प्रशासन अब जब कोई भी घटना होती है उसके बाद यही कहता है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच पर कार्रवाई करेंगे, अगर इससे पहले ही पुलिस मुस्तैद दिखे तो इस तरह की घटना नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल शाहरुख, आखिर कुछ पता चल पाया कि ये कौन लोग थे और जो हिंसा भड़काई गई थी, आपने बताया एक जो मैसेज वायरल हुआ था भारत बंद का, इसका पता क्या अभी तक कुछ लगा पाए हैं साइबर सेल के द्वारा, पुलिस लगा पाई है पता इस आदमी का? देखिए अभी पुलिस से हमने जिला प्रशासन से बात की थी, वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच चल रही है, अब जांच कब तक चलेगी ये तो जिला प्रशासन ही जाने, आखिर उसके कौन लोग हैं जिला प्रशासन उनको नहीं पकड़ पा रहा, तो इस तरीके से ये लोग आते हैं और फिर प्रदर्शन होता है, जिस तरीके से मुरादाबाद नहीं अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला, कई जगह पथराव जैसी घटनाएं सामने आई, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो शासन का जो आदेश था उसका पूरी तरीके से मुझे तो लगता है कि पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल शाहरुख, जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश की छवि थी उसको खराब किया जा रहा है, इस बीच क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से किसी शहर काजी या किसी का बयान अभी तक सामने आया, क्योंकि उन लोगों की तरफ से शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई थी?
देखिए अब मुरादाबाद SSP हेमंत पोटियाल का बयान आया है जिनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो मस्जिद से नमाज पढ़कर घर निकल रहे थे और छोटे बच्चों की तरफ से नारेबाजी की गई, जिसके बाद ये छोटे बच्चों ने जब नारेबाजी की तो कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। इन छोटे बच्चों की पहचान पुलिस द्वारा की गई शाहरुख, जिन बच्चों ने पहले नारेबाजी की थी? पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, अभी पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, और जो भी छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने नारेबाजी की, अब कौन बच्चे थे ये पुलिस जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कर रही है। जी बिल्कुल शाहरुख, आप बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता जुड़ चुके हैं। शाहरुख आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सुनाते हैं कि SSP ने क्या कुछ कहा है, SSP का क्या कुछ बयान सामने आया है मुरादाबाद के SSP का। नमाज के बाद मुगलपुरा कोतवाली में जाम मस्जिद पे वहाँ से निकलने के बाद कुछ नवयुवकों ने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको समझाया है, उनको घर भेज दिया है, ये पूरा इंसिडेंट है, यही हुआ नहीं, वो इमीडिएटली जो नवयुवक थे उन्होंने इमीडिएटली किया है, किसी प्रकार के CEO के दबदक तो नहीं लगा है, और इसमें फिर उसके बाद वो पुलिस के हमारे समझाने पर वो घर भी चले गए, ऐसी कोई इसमें बहुत खास बात नहीं करती। किसी इजलास को अगेंस्ट कार्रवाई की अभी वो देखा जाएगा कि अभी उसमें कुछ है। नमाज के बाद मुगलपुरा कोतवाली में जाम मस्जिद पे वहाँ से निकलने के बाद कुछ नवयुवकों ने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको समझाया है, उनको घर भेज दिया है, ये पूरा इंसिडेंट है, यही हुआ नहीं, वो इमीडिएटली जो नवयुवक थे उन्होंने इमीडिएटली किया है, किसी प्रकार के CEO के दबदक तो नहीं लगा है, और इसमें फिर उसके बाद वो पुलिस के हमारे समझाने पर वो घर भी चले गए, ऐसी कोई इसमें बहुत खास बात नहीं करती। किसी इजलास को अगेंस्ट कार्रवाई की अभी वो देखा जाएगा कि अभी उसमें कुछ है। नमाज के बाद मुगलपुरा कोतवाली में जाम मस्जिद पे आपने सुना कि हेमंत कोटियाल SSP मुरादाबाद ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ नवयुवकों द्वारा पहले नारेबाजी की गई थी, उसके बाद से ये जो भीड़ है वो उग्र हुई, हालांकि स्थिति को अभी नियंत्रण में कर लिया गया है, स्थिति नियंत्रण बताई जा रही है। बिजनौर से पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लोगों ने खुराफात करने की कोशिश किया था, SDPI के दो सदस्य थे जो नजीबाबाद में, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया, लोगों को प्रेरित किया बिजनौर आने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, मुकदमा कायम हुआ, गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से नगीना में AIMIM के जिलाध्यक्ष को हिरासत में लिया गया, उन्होंने भी सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश किया, मुस्लिम भाइयों ने भी इनकी मुखालफत किया और उन पर कार्रवाई करने का अपील किया था, और आम तौर पर पूरे जनपद का माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि जो यहाँ का माहौल बना हुआ है, जो सामाजिक समरसता सौहार्द का इसको बना करके रखें, जिससे यहाँ की कारोबार जो तरक्की की दिशा में आगे जनपद बढ़ रहा है उसमें चार चांद। सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना, उनका कहना है कि AIMIM के जिलाध्यक्ष को हिरासत में लिया जा चुका है, और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे मैसेजेस फैला रहे थे, बिजनौर आकर के इस तरह के दंगे को भड़का रहे थे। वहीं स्थितियां नियंत्रण की जा रही है, लगातार पुलिस तैनात है, पुलिस मौजूद है। हमारे साथ संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह से अभी हेमंत कोटियाल SSP मुरादाबाद का बयान सामने आया है और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह का भी बयान सामने आया है, और बिजनौर से AIMIM के जो जिलाध्यक्ष है उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है, सागर तो क्या लगता है पुलिस स्थिति कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मुस्तैद है और कोशिश कर रही है लगातार जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए? बयान आया कि जैसे कि SP साहब का बना बयान आया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो कहीं ना कहीं पुलिस बल इतनी सक्षम पूरी तरह से है कि स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर चुकी है। जो भी घटनाएं हुई, जो भी दंगे भड़काने के आरोप भी लगते हैं अगर किसी पे, तो उन्हें पूरी तरह से हिरासत में लिया जाएगा। हालाँकि इस सरकार की साफ मंशा शुरुआत से रही है कि जो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है वो दंगा मुक्त हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरे प्रदेश में एक छवि, प्रदेश की छवि को, प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने की जद्दोजहद में, तो वहीं प्रशासन पूरी तरह से, आपको बता दूं कि प्रशासन जो है
पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे वो लखनऊ हो, राजधानी लखनऊ में भी हमने देखा जो बड़े अधिकारी हैं JCP से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वहाँ पर फ्लैग मार्च की, लोगों को समझाया, धर्मगुरुओं से बात की, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ के छोड़ के लखनऊ के आसपास जिले जैसे प्रयागराज हो गया और तमाम हो गए, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, लखनऊ के अलावा वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो सबसे बड़ी चूक सुरक्षा को लेकर है या फिर एक एक कहते हैं कि इंटेलिजेंस को लेकर है। जी, ताज़ा खबरें जो सामने आ रही हैं वो ये आ रही है सागर के प्रयागराज में हालत आउट ऑफ कंट्रोल बताई जा रही है, DMSSP पर पत्थर चले हैं प्रयागराज में, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पे सागर? आज आंसू गैस के गोले भी पुलिस छोड़ रही है, फिर भी स्थिति अनियंत्रित है। जी जी सागर जी, शुरुआती समय में ये सूत्रों द्वारा खबर आ रही थी कि DMSSP पर भी लोगों ने पथराव किए हैं और पुलिस बल को भी खदेड़ा है, तो वहीं कहीं ना कहीं मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये सब जो घटनाएं होने के बाद पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी उपद्रवी थे, जो भी दंगा करने के मंशा से आए थे, जो भी मस्जिद में दंगा करने की मंशा से आए थे, पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से खदेड़ा है और DMSP से लेकर SSP से लेकर जो बड़े आला अधिकारी हैं उन सभी ने मोर्चा संभाल रखा है, पूरी तरह से स्थिति को, ज़िले को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है और किसी भी तरह की दंगा घटने की संभावना अब खत्म हो चुकी है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से इस तरह की घटना सामने आई है इस पर अभी तक क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया किसी का, जिन जिलों से दंगे हुए हैं हेमंत कुटियाल जो मुरादाबाद के SSP है और डॉक्टर धर्मवीर सिंह बिजनौर, इनके अलावा क्या किसी और का कोई बयान, आधिकारिक बयान सामने आया सागर? देखिए आपको बता दूं कि जो सुरक्षा की पूरी जो कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो ADG LO प्रशांत कुमार जी की है, जिन्होंने सुबह एक बयान जारी किया था कि जो कानपुर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है और जो जो बिजनौर हो गया, तमाम प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, यहाँ पर जो छुटपुट घटनाएँ जो सुनने को आ रही वहाँ भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई है। अभी तक फिलहाल किसी भी बड़े आला अधिकारी का, प्रशांत कुमार से लेकर तमाम जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका किसी भी तरह से बयान नहीं आया। हालांकि मुझे यहाँ तक लगता है कि जो बयान है वो शाम तक आने की संभावना है, क्योंकि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई है, इलाके को छावनी में बदल दिया गया है, ज़िले को पूरी तरह से एकदम काबू में पा लिया गया है, जो भी दंगा करने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो गई है, धारा 144 भी लगाई जा सकती है या कहिए कुछ जिलों में अब तक लगा भी दी जा चुकी है। जी जी बिल्कुल सागर, इस खबर पर अपनी जानकारी आप नज़र बनाए रखिए, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जो स्थिति है वो नियंत्रित भी नजर आई, आउट ऑफ कंट्रोल, DMSSP पर भी पत्थर चले हैं, पुलिस आंसू गैस के गोले भी छोड़ी है, जिसके बाद स्थिति को पर काबू पाया गया है। लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में अलर्ट होने के बावजूद भी जो दंगे की तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं बेहद भयावह है, वहीं लगातार बिजनौर से SSP मुरादाबाद है उनके भी आधिकारिक बयान सामने आए हैं कि स्थिति कंट्रोल में की जा रही है, लेकिन सवाल यह निशान सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा कैसे हुई, इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा कैसे हुए जबकि पूरा जो प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश है वो अलर्ट पर है। आखिर ये कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की जो छवि है दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनको प्रशासन का डर नहीं है, ये कौन लोग हैं जो शांति व्यवस्था को भंग करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।